हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का TNERC के वीडियो सीरीज में स्वागत है। मैं तारकेश्वर पांडे आप लोगों के समक्ष एक अपना नया वीडियो लेकर फिर से उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें कुछ मोटिवेशनल बातों को आप लोगों से शेयर मैं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं इस वीडियो के संबंध में कि महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो आप सबों को सीने में सही, वो कहीं भी आग, लेकिन वो आग जलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी चंद शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत बार यह कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। हिंदी के अगर पुस्तकों की बात की जाए तो कहा गया है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। संस्कृत का अगर बात किया जाए तो संस्कृत में कहा गया है अति रूपेण वैसीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानाद बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत। और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि किसी भी चीज का अधिकता हमेशा खराब होता है। यदि कोई भी काम हम जरूरत से ज्यादा करते हैं तो हमेशा वो खराब ही होता है। अगर एक छोटे से एग्जाम्पल की बात की जाए तो जब सब्जी बनाया जाता है तो सब्जी बनाते समय यदि सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया जाए तो वह सब्जी जहर बन जाता है, यानी नमक बहुत ही ज्यादा हो जाता है और वो खाने के लायक नहीं रहता, यानी एक्सेस वहां पे नमक का किया गया जो कि खराब है। ठीक इसी तरह से अगर सब्जी के अलावा कोई मसाला ज्यादा डाल दिया जाए तो भी वो सब्जी खराब हो जाता है, यानी हर चीज सही मात्रा में सब्जी में डाला जाए तो सब्जी अच्छा होता है, और अगर सही मात्रा में नहीं डाला जाए किसी भी एक चीज की अधिकता सब्जी को खराब कर देती है। ठीक हमारे जीवन में यही लागू होता है। हमारे जीवन में भी अगर किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो हमारा जीवन खराब हो जाता है। इसलिए हर एक चीज सही मात्रा में होना चाहिए। इसके संबंध में मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से इसको समझाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक परिवार में एक छोटा सा लड़का, महज 4 या 5 वर्षों का लड़का था, रहता था। परिवार के सारे लोग उस लड़के को बहुत मानते थे, बहुत प्यार दुलार करते थे। यहाँ तक कि घर का कोई भी सदस्य अगर कुछ खरीदने के लिए जाता तो उसके लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई खिलौना, कुछ खाने का सामान, मिठाई निश्चित रूप से लाता। वह लड़का क्योंकि घर में अकेला था इसलिए हर परिवार के सदस्यों का प्रिय था। एक बार की बात है, उस लड़के के पिताजी अपने ऑफिस के लिए देर हो रहे थे और जल्दीबाजी में उन्होंने तैयारी करके और ऑफिस के लिए चल दिया। रास्ते में कुछ देर जाने के बाद उन्हें कुछ याद आया और वो वापस आए। वापस आने के बाद तुरंत उनकी नजरें पास में रखा हुआ टेबल पर पड़ा। जैसे ही वह टेबल के तरफ देखे, उन्होंने देखा कि सेविंग करने वाला जो रेजर था और रेजर के साथ साथ जो ब्लेड था वो टेबल पे ही उन्होंने छोड़ दिया था। इसलिए वे बहुत ही जल्दी अब रास्ते से लौट कर आए ताकि कहीं उनका बच्चा उस ब्लेड या उस रेजर से कहीं खेलने मत लगे, और यदि बच्चा उससे खेलने लगता तो उसका हाथ कट सकता था। इसलिए वो बहुत ही जल्दी आधे रास्ते से ही लौट कर घर आ गए। जब उन्होंने रेजर और ब्लेड को टेबल पर सही सलामत पाया तो उन्हें लगा कि उनका बेटा उसका प्रयोग नहीं किया है। बहुत ही वो खुश हुए और खुशी के मारे उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया और लेकर उछाल दिए। जैसे ही अपने बेटे को उछाले उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ऊपर फैन चल रहा था।
जिस फैन पर लगने से उनके बेटे का सिर फट गया और सिर फटने के बाद ब्लड गिरने लगा। बेटे को आनन फानन में वे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में इलाज तो हो गया, लेकिन यहाँ इलाज होने के बावजूद एक चीज सीखने को मिल रहा है, और वो है कि यहाँ उन्होंने अपने बेटे से दुलार प्यार की अधिकता दिखाई, जिसके कारण उनके बेटे को छोटा सा जख्म, अगर वो ब्लेड छोड़कर गए थे तो लग सकता था, लेकिन जब वो आए और खुशी में अपने बेटे को उछाल दिए तो बहुत बड़ा जख्म लग गया। यहाँ भी उन्होंने एक्सेस किया जो कि बहुत ही खराब था। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से इस कहानी का शिक्षा बता देना चाहता हूँ। यदि किसी भी काम का अधिकता हम अपने दैनिक जीवन में लाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही खराब होता है, खास करके आजकल के समय में मोबाइल का अधिक से अधिक प्रयोग, फेसबुक, व्हाट्सएप या और भी बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट का जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं, वो हमारे समय को बर्बाद करता है और ये हम लोगों के लिए खराब है, हमारे आँखों के लिए, हमारे सेहत के लिए और साथ ही साथ हमारे ज्ञान के लिए भी। ठीक इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेलीविज़न ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविज़न देखने पर टेलीविज़न का प्रयोग उनके लिए खराब है, उनके आँखों के लिए, उनके सेहत के लिए, उनके पढ़ाई के लिए भी। तीसरा ये है कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। तो बहुत ज़्यादा पढ़ना और बिल्कुल ही ना पढ़ना ये भी बिल्कुल खराब है, क्योंकि इसमें भी अधिकता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि किसी भी काम का अधिकता बहुत ही खराब होता है। तो कोशिश करिए कि ना ही कोई चीज़ या कोई काम ज़्यादा करें और ना ही कम। जो भी करें वह एक समुचित अनुपात में करें, ताकि ना तो ज़्यादा हो ना कम हो। और यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होंगे।